इस वक्त जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 38-39 डिग्री चल रहा है, और इतनी तपती गर्मी में भी यहाँ पे एक ऐसे साधु संत हैं जो एक प्लेन ग्राउंड के अंदर बैठ के धूनी जला के इस पूरी धूप के अंदर कड़ी तपस्या कर रहे हैं, और वो दिन और रात यहीं बैठे रहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति गुरु, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। इसे पूरे 12 साल लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, और इन्हीं 12 साल में वो 12 राशियों से होकर गुजरता है, मतलब कि एक साल में वो एक राशि में रहता है। जब ये 6 राशियों से होकर 7वीं राशि की ओर बढ़ता है, तब जाके एक अर्धकुंभ लगता है। जब ये पूरी परिक्रमा करता है सूर्य की 12 साल में, तब जाके एक पूर्ण कुंभ लगता है। और ये जो 12 साल में एक पूरी रोटेशन करता है, जब ये पूरी 12 बार और हो जाती है, तब जाके एक महाकुंभ लगता है जो हमेशा वाराणसी के अंदर लगता है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। और वो 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है, क्योंकि जो जुपिटर है उसे सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं, और 12 साल की जो परिक्रमा है उसको अब 12 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 12 टाइम्स जब वो सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, तब जाके एक महाकुंभ लगता है। देखिए, देव दानव वैदिक काल में भी थे और आज भी हैं, बस उसका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है। अमृत पहले भी चाहिए था, अमृत आज भी चाहिए। उस वक्त वैदिक काल में जब समुंदर मंथन हुआ, उसमें से जो अमृत का कुंभ निकला, उसको पीने की इच्छा से देव और दानवों में लड़ाई हुई। उस छीना छपटी के दौरान ये जो अमृत था, ये भारत की 4 प्रमुख नदियों में गिरा। और जिन 4 जगहों के ऊपर अमृत की बूंदें गिरी, वो थी हरिद्वार, वाराणसी, नासिक और उज्जैन, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रमुख नदियाँ हैं और उन नदियों में कई छोटी नदियों का संगम होता है। तो जब भी महाकुंभ लगता है, तो ये मान्यता है कि उस वक्त कुछ खास पीरियड के दौरान यहाँ का पानी अमृत के समान हो जाता है।